कितना भी बड़ा आदमी हो, कानून के ऊपर नहीं है। कानून सत्य के साथ में सब पर लागू होना चाहिए। कितना बड़ा आदमी हो, कितना ही पावरफुल हो, यदि गुनाहगार है तो वो उसमें छोटा बड़ा नहीं है, पुलिस के सामने वो गुनाहगार ही है। उतनी हिम्मत दीजिए, मैंने कहा है इनको, अपने थानादारों को, थानों को मजबूत बनाइए कि वो हिम्मत से कर सकें, कोई दबाव ना आए उनके ऊपर, दबाव आए माने नहीं। उसका फल आएंगे, कोऑर्डिनेशन होगा, असर होगा। और ये भी है कि ये जो चैलेंज है, ये बीमारी है, मैं डे वन से आपको तो मालूम है, मैं ड्रग्स और ये इलीगल माइनिंग दो के लिए लगाऊं, और उसमें काफ़ी एफर्ट्स का फायदा भी हो रहा है। और हमने कहा है कि ये फिर फैला कैसे, ड्रग्स सब जिलों में कैसे फैल गया कि गांव में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ता है, मतलब गांव में बच्चे बच्चे तक पहुंचा होगा, इतनी महिलाएं निकली हैं बचाने के लिए। इसका मतलब ऐसा है कि खाली पाकिस्तान से ही नहीं, बॉर्डर से नहीं, चारों तरफ से आ रहा होगा। जैसे मैं तो तारीफ करूंगा, डीजीपी बैठे हैं यहाँ, जम्मू कश्मीर के स्मगलर करने वाले को लुधियाना में पकड़ा, बहुत बड़ा सीजर किया है, 5 करोड़ के 4-5 करोड़ रुपए का। तो आंखें खुली, कहीं से भी आ सकता है, चौकस करना है। मेरी राय दी है मैंने कि आपके काउंटर पार्ट दूसरी स्टेट के जो वो हैं, चाहे हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, जो भी बॉर्डर को लगे हैं, उनसे भी रेगुलर संपर्क रख के आपका कॉन्फ्रेंस होती रहे उन लोगों से भी, तो एक इसमें रुकावट आएगी, ये निश्चित है। और ये प्रश्न है हमारी आने वाली जनरेशन का। इतना उन्नत पंजाब, इतना गौरवशाली इतिहास, नेक्स्ट जनरेशन ड्रग्स में बिगड़ जाए तो हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं, ये तो है ना हमारे सामने चिंता। उसको तो हर कीमत पे ही रोकना होगा। मैं प्रयत्न कर रहा हूं, और एक जर्नलिस्ट के नाते, मैं भी जर्नलिस्ट हूं, आपको तो बताया, सीनियर हूं, 40 साल तक मैंने ट्रेनिंग ही देने का काम किया, मैक्सिमम एथिक्स के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी लाइफ में, एथिक्स अच्छे हों, निडर रहे। मार्टिन लूथर को कोट करता हूं, मार्टिन लूथर ने कहा था, इफ वी सी द ट्रूथ एंड सीज टू स्पीक इज द डे वी स्टार्ट डाइंग। मार्टिन लूथर की, वी स्टार्ट डाइंग मीन्स आत्मा मर गई समझ लो, हमारे सामने पाप हो रहा है, हम चुप हैं, ये कैसे हो सकता है और क्यों होना चाहिए। सच्चाई के साथ में मुकाबला हो, और आपका भी साथ मांगता हूं, ये परिस्थिति आपसे तो छिपी नहीं है, यानी 100% आई एम कॉन्फिडेंट दैट ऑन दिस इश्यू यू विल एग्री विथ मी, दिस इज हैपनिंग, ग्रास रूट है, मेरी आदत है, मेरे पास जितनी भी डाक आती है मैं घंटों रोज
छोटी भी चिट्ठी लिखी हुई भी है ना, मैं पूरी पढ़ता हूं, मैं और हमारे सेक्रेटरी, तो आई गेट द एंटायर फीडबैक, लोगों से मिलता भी हूं। थोड़ा सा चिंतित हूं, इसीलिए सीनियर आदमी हूं, उसका चिंता वाजबी है, आप अप्रिशिएट करो। तो ये हमको दोनों इलीगल माइनिंग और ड्रग्स दोनों पंजाब में समाप्त करना है, इसमें आपकी भी मदद चाहिए और आपके माध्यम से जनता की सेवा बढ़ेगी, ये निश्चय है।